निश्चित रूप से कोई सरकार अगर जन कल्याणकारी योजनाएं लाती हैं तो वो स्वागत योग्य कदम होता है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत जी ने चुनाव के मौके पे और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की बात करते हुए और ये जो राशन देने की घोषणा की है, ये पूरी तरह से इनका चुनावी स्टंट है। आप देखिए पिछले बजट में, ये जो 2023 का बजट आया, इससे पहले 2022 के बजट में इन्होंने मोबाइल फोन देने की महिलाओं को घोषणा की थी और अब उसका इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो आप देखिए निश्चित रूप से केवल चुनाव के लिए अशोक गहलोत जी जो गरीबों की फायदे की, गरीबों को मदद देने की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से चुनावी एजेंडा है, पूरी तरह से चुनावी स्टंट है। और मैं तो कहता हूं कि राष्ट्रीय पर्व जैसा त्योहार, जब पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर हम सब लोगों को उस त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। इस त्योहार का मौका अगर कोई मुख्यमंत्री अपने चुनावी स्टंट के लिए करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अशोक गहलोत जी को अगर गरीब की चिंता होती तो इस स्कीम को 2 साल पहले लागू करते, 3 साल पहले लागू करते, गरीब की थाली आम आदमी को राहत देने की, अगर कोई मदद पहुंचाने की सरकार की मंशा थी तो निश्चित रूप से इसको समय पर लागू किया जाना चाहिए था। इंद्र सिंह शेखावत जी, कांग्रेस की दलील है टमाटर के भावों में बढ़ोतरी पिछले 1.5-2 महीने से हुई है, महंगाई का डाटा अभी जिस तरह का दर्दनाक और भयानक आया है उससे आम आदमी को राहत देने के लिए अगर एक राज्य की सरकार कोई प्रयास करती है तो आपको उसमें चुनावी स्टंट क्यों नजर आता है? मीना जी, राजस्थान सबसे महंगी बिजली देने वाला प्रदेश राजस्थान का, सबसे महंगा डीजल बेचने वाला प्रदेश देश का, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बेचने वाला प्रदेश, और इन मुख्यमंत्री जी को महंगाई की चिंता हो गई ये, और वो केवल उनका राशन किट जिसपे अपना फोटो लगा के, एक तरफ तो ये स्वावलंबन की और स्वाभिमान की बात करते हैं गरीब को, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी अपना फोटो लगा के और एक फूड पैकेट उसके घर भिजवाते हैं, ये किस तरह की बात है? किस तरह का राजस्थान के आदमी का स्वावलंबन बचाना चाह रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात, अभी 1 महीने 1.5 महीने बाद जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, इतनी बड़ी संख्या में इन्होंने मुख्यमंत्री के फोटो लगे जो फूड पैकेट छपवाए हैं, मैं कहता हूँ पूरे पूरे राजस्थान का एक बजट का वेस्टेज करने का ये इनका इनका कार्यक्रम है। आम आदमी तक राहत पहुंचाने की इनकी कोई मंशा नहीं है, वास्तव में ये चुनावी स्टंट है, चुनावी एजेंडा है। अगर गरीब की इनको चिंता होती तो राजस्थान में बिजली को सस्ती करते, राजस्थान में डीजल पेट्रोल को सस्ता करते। केवल चुनावी स्टंट के लिए इस तरह की योजनाएं लाना, और वो भी स्वावलंबन की बात करके, किसी गरीब आदमी को जिस तरह से ये मदद देना चाहते हैं, वो मात्र चुनावी एजेंडा है। जी, चुनाव